प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिसमें पार्टी ने झुंझुनू और अजमेर लोकसभा सीट में नए चेहरों को मौका दिया और साथ ही 14 सीटों पर पार्टी ने पुराने सांसदों पर एक बार फिर से विश्वास जताया है और भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल है। भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, 184 नाम घोषित किए गए, जिनमें से राजस्थान के 16 उम्मीदवारों के नाम निकलकर बाहर आए। और बता दूं इस 16 उम्मीदवारों में 14 एक बार फिर से सांसदों पर विश्वास जताया भाजपा ने, और वहीं दो नए चेहरे इस 16 उम्मीदवारों में सामने आए। जयपुर ग्रामीण से एक बार फिर से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर विश्वास जताया गया। जयपुर शहर से रामचरण बोहरा को टिकट दिया गया। टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट मिला है और अजमेर से भागीरथ चौधरी पर भाजपा ने विश्वास जताया। पाली से पीपी चौधरी और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर से जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। जालौर में देवजी पटेल को तो उदयपुर में अर्जुन लाल मीणा पर भरोसा जताया है भाजपा ने। भाजपा की पहली लिस्ट में राजस्थान के 16 उम्मीदवार घोषित किए गए, जिनमें से 14 सांसद हैं तो वहीं दो नए चेहरे हैं। कोटा से ओम बिरला को एक बार फिर से मौका दिया गया और झालावाड़ बारा से दुष्यंत सिंह को मौका दिया गया।